हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। और पहला चैप्टर हम लोगों का है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो वैसे तो ये बोर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी इसी को इसी में कर दिए हैं। तो आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर नीट के उतने क्वेश्चन कर लोगे, देख लोगे, मेरा लेक्चर पूरा समझ लोगे, तो तुम्हें नीट के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या जेई मेंस का जो भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, रटी रटाई बातें नहीं करता हूँ। कहता है लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर 5 एम्पियर करेंट। अब हम लोग के पास इनफाइनाइट कंडक्टर है जो जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, इसमें 5 एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी 10^5 m/s है। तो ऑब्वियसली ये कह रहा है कि जो कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 cm है, मतलब 0.2 m है। तो ये डिस्टेंस 0.2 m पर है। कहता कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो कुछ फोर्स फील करेगा? ऑब्वियसली फोर्स फील करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके पास चार्ज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे अगर इनफाइनाइट वायर ऐसे है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में उस फोर्स की वैल्यू लिखें तो Q v×b होती है, Q v×b होती है। तो जब ये फोर्स अगर उस चार्ज पार्टिकल पे देखोगे जो ऐसे आ रहा, तो पहले देखो B की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है। अगर इनफाइनाइट वायर ऐसे है तो राइट हैंड कर्ल थंब रूल से वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर, हाँ अगर बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आएगा, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा 90 डिग्री पर है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर ये वायर ऐसे है तो ये ऐसे टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, और उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, तो v×b बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो v×b फोर्स उस पर ऊपर लगेगा। इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स नीचे कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन ही है ना, हाँ नीचे। चलो तो वो तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड देखोगे, मैग्नीट्यूड निकालने की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट वायर की, वो होती है μ0I 2πr। अब कुछ नहीं हुआ और 90 डिग्री है फोर्स, वेलोसिटी देखो बोर्ड के प्लेन में वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, समझ रहे हो ना, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, थीटा 90 गया तो ये आ जाएगा चार्ज EB और sin 90। तो sin 90 कितना हो गया यार, तो ये आ जाएगा EB, बाकी कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू रखो EB, और B की वैल्यू रखोगे μ0I 2πr। तो कुल मिला के ई चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, अब सारी वैल्यू रख दो, 1.6 × 10^-19 कूलम, और वेलोसिटी भी 0.2, और मल्टीप्लाई कर दें 4π × 10^-7, और करंट आई 5 एम्पियर डिवाइड कर दूं 2 × 3.14, और रेडियस की वैल्यू कितनी है देखो, तो रेडियस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी 10 थी यहाँ पे, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 10 थी प्यारे बच्चों, दिस इज़ द 10। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो 10 आएगा, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये 0.2 है। तो ये जो बाकी डिफ़िकल्ट वाला काम है ये तुम कर लेना। तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आ जाती है वो 8×10^-20 N आ जाता है, ये वाला चीज़। ठीक है ना, हम लोग कैलकुलेट करके देख